दोस्तों आपका गाइड, आपका दोस्त रितेश धीर, आपका क्लास 10th की ज्योग्राफी के फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर के फिफ्थ वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों मैं वीडियो आपके एग्जाम पास करवाने के लिए नहीं बना रहा हूं, बल्कि मेरा टारगेट आपका बेस मजबूत करना है और आपको नॉलेज देना है। जिसके पास नॉलेज होगी वो कोई भी एग्जाम पास कर लेगा, और जिसका बेस स्ट्रांग होगा वो आगे जाकर देश चलाने के लिए आईएएस पीसीएस की तैयारी कर पाएगा, या देश बचाने के लिए एनडीए सीडीएस जैसे मिलिट्री के एग्जाम पास कर पाएगा। और दोस्तों मेरे लिए हर वर्ड हर लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आपको यूट्यूब पर मुझसे 10 गुना अच्छे पढ़ाने वाले मिलेंगे। हाँ, नॉलेज लेने वालों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सोशल साइंस को साइंस से भी ज्यादा मजेदार बना दूं। बदले में सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए, जो आप मुझे सब्सक्राइब कर शेयर करके दे देते हैं। इस कोर्स में हम कवर करेंगे कि आज की खेती को किस तरह की तकनीकी और इंस्टीट्यूशंस में बदलाव चाहिए, क्यों भारत में आज भी किसान गरीब और मजबूर है, क्यों देश की भूख मिटाने वाला किसान खुद आत्महत्या कर रहा है, आचार्य विनोबा भावे का भूदान और ग्रामदान क्या था, देश की इकोनॉमी में, रोजगार में और प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर का क्या योगदान है। दोस्तों भले ही भारत में खेती हजारों सालों से होती आ रही हो, पर जमीन का इस्तेमाल बिना टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल बदलावों के हुए बिना खेती में डेवलपमेंट की स्पीड को रोका है। यानी सादी भाषा में कहें, बिना खेती में मॉडर्न टेक्निक लगाए और इंस्टीट्यूशंस में बदलाव लाए, खेती में प्रोग्रेस नहीं हो सकती और ना अब तक हुई। हमारे देश में आधे से ज्यादा सिंचाई के साधन अंग्रेजी बना गए थे, उसके बाद भी कई विकसित इरिगेशन के सोर्सेज होने के बावजूद देश के कितने ही इलाकों में किसान खेती बाड़ी के लिए आज भी जमीन के उपजाऊ होने पर या फिर मॉनसून पर डिपेंड है। देश की फुल स्पीड से बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरना बड़ा ही मुश्किल साबित होने वाला है। देश में लगभग 60% जनसंख्या को रोजगार देने वाली खेती बाड़ी में कई टेक्निकल और इंस्टीट्यूशन बदलाव लाने की जरूरत है। टेक्नोलॉजिकल से तो आप समझ गए होंगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल, सोलर पावर का इस्तेमाल, इन इंस्टीट्यूशंस का मतलब है सिस्टम जैसे बैंकिंग का सिस्टम, मंडियों का सिस्टम। देश के आजाद होने के बाद कुछ इंस्टीट्यूशनल सुधार करने की कोशिश की गई, जैसे चकबंदी यानी छोटे छोटे खेतों को जोड़कर बड़ा खेत बनाना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, और जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया। तो इस तरह जमीन से जुड़े सुधार लाना पहले 5-ईयर प्लान का एक बहुत बड़ा फोकस था। जमीन पर पुरखों से हक चला आ रहा था और हर जनरेशन में उसके टुकड़े हो रहे थे, बट रहे थे। यानी 8 बच्चे तो जमीन के 8 टुकड़े हो गए। तो लैंड रिफॉर्म्स के जरिए उनको फिर से इकट्ठा करना जरूरी था। भले ही लैंड रिफॉर्म्स के कानून भी बने थे, पर उन कानूनों को लागू या तो ढुलमुल किए गए थे या फिर उन्हें लागू करने की इच्छा ही नहीं थी। यार तगड़े लोगों के पास ही जमीन थी, पोस्ट थी, पावर थी, वो क्यों गरीब किसान के लिए अपनी जमीन छोड़ते। भारत सरकार ने खेती में सुधार लाने के लिए 1960 के और 1970 के दशक में कई कदम उठाए। पैकेज टेक्नोलॉजी को यूज कर ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति और व्हाइट रेवोल्यूशन जैसी कई स्ट्रेटजीज की शुरुआत की। पर दोस्तों इसका असर और इनकी वजह से डेवलपमेंट पूरे देश में नहीं हुई, बल्कि कुछ इलाकों तक ही सीमित रही। तो इसलिए फिर दोबारा से 1980 के और 1990 के दशक में व्यापक लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया। यह प्रोग्राम दोनों इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के लिए था। इसके मेजर फीचर थे नेचुरल डिजास्टर्स जैसे बाढ़, सूखा, ओले वगैरह के केस में फसल बीमा, किसानों को जरूरत पड़ने पर बीज, खाद, दवाई खरीदने के लिए सस्ते ब्याज पर लोन देने के लिए ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटियां एंड बैंक एस्टेब्लिश करना, किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट बीमा जैसी सुविधाएं देना, टीवी और रेडियो पर खास तौर पर किसानों के लिए मौसम समाचार और खेती बाड़ी के लिए प्रोग्राम,
किसानों को दलालों और बिचौलियों के शोषण से बचाना, यह सब इस प्रोग्राम का फीचर थे। दोस्तों, एग्रीकल्चर में सुधार की डिस्कशन आचार्य विनोबा भावे और उनके चलाए भूदान ग्राम दान के बिना अधूरी है। आज के महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 1895 में जन्मे विनोबा भावे गांधी के फॉलोअर थे और उन्होंने कई सत्याग्रहों में भाग भी लिया और गांधी ने उन्हें अपना आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी भी घोषित किया कि मेरे बाद स्पिरिचुअलिटी में ये है। गांधी के ग्राम स्वराज के कंसेप्ट को मानते थे और गांधी के मैसेज को फैलाने के लिए उन्होंने कोई 13 सालों तक पद यात्राएं की, कोई 6 आश्रम एस्टैब्लिश किए। एक बार जब भावे जी आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली में प्रवचन कर रहे थे तो कुछ बिना जमीन किसानों ने कहा कि इतना ही है तो हमें जमीन दे दो, तभी तो हम अपना भरण पोषण कर विकास कर पाएंगे। वो बोले, मैं वादा करता हूं कि आपको कोऑपरेटिव शुरू करवाने के लिए सरकार से जमीन की बात करूंगा। तभी एक आदमी रामचंद्र रेड्डी खड़ा हुआ और बोला, मैं इन लोगों के लिए अपनी 80 एकड़ जमीन देता हूं। बस यहीं से भूदान की शुरुआत हुई। विनोबा जी पूरे देश में घूमे और जा जाकर जमींदारों से, जमीन मालिकों से विनती करने लगे कि कई गांवों के मालिकों तुम पूरा पूरा गांव ही भूमिहीनों को दे दो, जो कि ग्राम दान कहलाया। अब कई जमींदारों ने उस टाइम पे लागू हुए लैंड सीलिंग एक्ट से बचने के लिए अपनी जमीन दान दे दी। इस मूवमेंट को ब्लड लेस रेवोल्यूशन कहा गया, यानी ऐसी क्रांति जिसमें खून नहीं बहा। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी की बैकबोन रही है एग्रीकल्चर, यानी हमारे देश की पूरी इकोनॉमी खेती पर आधारित रही है। भले ही जीडीपी में खेती बाड़ी का हिस्सा 1951 से घटता ही जा रहा है, पर फिर भी 2001 के आंकड़ों के हिसाब से ये खेती बाड़ी भारत के कोई लगभग 63% लोगों को रोजी रोटी दे रहा है। एक और बात है दोस्तों, देश की जीडीपी में खेती बाड़ी का गिरता हुआ हिस्सा बहुत चिंताजनक है, क्योंकि खेती में कैसी भी गिरावट और रुकावट इकोनॉमी के बाकी हिस्सों में भी गिरावट लाएगी। ये पूरे समाज के लिए सही नहीं होगा और इसलिए सरकार ने खेती की इंपॉर्टेंस को समझते हुए खेती को मॉडर्नाइज करने की काफी कोशिश की। सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना की, कई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की, कई वेटनरी सर्विस सेंटर और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर खोले, बागवानी डेवलपमेंट पर इंस्टीट्यूशन खोले और मीटियोरोलॉजी मौसम अनुमान की फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी सरकार कर रही है। अब दोस्तों, अगर आप इस टेबल को देखें, एग्रीकल्चर 1980-81 में 3.6 था, अगले दशक में घटकर 3.3% हो गया और सरकार उम्मीद कर रही है कि 4 हो जाएगा। और साथ साथ 91 से 2001 की जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा घट रहा है। यहां यह भी क्लियर हो रहा है कि जीडीपी बड़ा तो है पर रोजगार नहीं बढ़ा, खेती में कम होती ग्रोथ रेट एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। दोस्तों, आज देश का पेट भरने वाला किसान किन मुसीबतों का सामना कर रहा है, क्या कारण है कि वो मुसीबतें इस लेवल की हो जाती हैं कि किसान को खुद को खत्म करना पड़ता है, वो अपने परिवार को, अपनी जमीन को, अपने सपने, अपने अपनों को छोड़कर आत्महत्या कर लेता है। अब आपके इस बुक में जो रीजंस दिए हैं मैं आपको वो बताता हूं। आज भारतीय किसान को विदेशी प्रोडक्ट से बहुत कंपटीशन मिल रहा है, जैसा बताया कि खेती हर सेक्टर को इफेक्ट करती है और जब हर सेक्टर में सस्ता चाइनीज माल घुस गया है तो हमारे किसान का माल तो कोई नहीं लेगा ना। सरकार ने इरिगेशन में, बिजली में, गांव देहात की सड़कों में, बाजार मंडियों में और मशीनीकरण में सरकारी पैसा लगाना कम कर दिया है। यूरिया जैसी खादों पर दी जाने वाली सब्सिडी कम हो रही है, माल पैदा करने में लगने वाली कॉस्ट बढ़ने लग गई है तो मुनाफे पर फर्क पड़ेगा ही। बाहर से इंपोर्ट होने वाली एग्रो प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी कम करने से उनका भाव बराबर सा हो गया तो लोग उसको लेने लग गए। खुद किसान भी अब खेती में इन्वेस्टमेंट कम करने लग गए तो खेती में अब नौकरियां कम होने लग गई हैं। देश में हर आदमी का पेट भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और फूड सिक्योरिटी क्या है, ये डिटेल में जानेंगे अपने इस कोर्स के 6th और 2nd लास्ट वीडियो में।
मुझे यकीन है, यकीन नहीं विश्वास है, आपको खेती किसानी वाला ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। आप अपने पॉइंट्स मुझे कमेंट के रूप में या ईमेल करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट को, हर सुझाव को, हर शिकायत को मानूं और खुद को ठीक करूं। और मेहनत करने पर हमें आपसे शाबाशी की भी उम्मीद होती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।